बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराप बातें करते हैं। वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। सर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब लोग। और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ हाउस इतनी आग बढ़ गई स्टैंड टू मीट एट 2 p.m.